नहीं यार, मजा नहीं आ रहा यूट्यूब पे। यूट्यूब हमारे चैनल को ग्रो नहीं कर रहा, यूट्यूब हमारे चैनल को बूस्ट नहीं कर रहा, यूट्यूब में काम नहीं करना है। देखिए आपके मन में भी आ रहा होगा, आप भी एक नए क्रिएटर होंगे तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा। आपके बाद अपनी एनर्जी को फिर से लाइए और फिर वीडियो बना के फिर अपलोड कीजिए। हार नहीं मानना है, बस हमें करते रहना है। आज हमारा वीडियो वायरल नहीं हुआ तो कल हमारा वीडियो वायरल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नरसों होगा, एक महीने बाद होगा, दो महीने बाद होगा, लेकिन हमारा वीडियो वायरल होगा। ये 100% डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं। और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल YouTube Tips 2.0 M में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में जीरो से लेके 1K सब्सक्राइबर की जर्नी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और कौन कौन सी कठिनाई मेरे साथ हुई है, कैसे कैसे अपने वीडियोज़ पर मैंने व्यूज़ लाए और कैसे सब्सक्राइबर बढ़े, क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो पर एंड तक बने रहे। और आप एक नए क्रिएटर अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो यार वीडियो को पूरा देखना, कहीं ना कहीं इस वीडियो से आप लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिलने वाला है, आप बहुत मोटिवेट होने वाले हो। क्योंकि एक यूट्यूबर की जर्नी जो होती ना बहुत कठिन से भरी होती है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। भले लाइक करो ना करो, सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरे साथ में किस प्रकार से सब्सक्राइबर बढ़े, नहीं बढ़े, कब मैंने वीडियो अपलोड किया, तो सारा कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल ओपन किया, जब मुझे मालूम भी नहीं था कि यूट्यूब चैनल भी बनाया जाता है, तो दोस्तों एक यूट्यूब पर एक वीडियो आई थी जिसमें टेक्निकल योगी जी बता रहे थे कि अपना चैनल बनाओ और पैसे कमाओ। तो यार तो मेरे मन में भी आ गया था कि यार यूट्यूब चैनल बनाने से पैसा कमाया जाता है। देखिए पैसा कमाना हर कोई चाहता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पैसा कमाना नहीं चाहता, पैसा कमाना हर कोई चाहता है, मैंने भी वही चाहा था। स्टार्टिंग में जब मैंने चैनल बनाया था तो मुझे पता ही नहीं था, चैनल यूट्यूब के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था कि यूट्यूब में सिर्फ मुझे लगता था कि सिर्फ यार हम यूट्यूब पर वीडियो देख सकते थे, पर ये नहीं पता था कि यूट्यूब से हम पैसा भी कमा सकते हैं, यूट्यूब पर हम अपने वीडियोज़ भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहली वीडियो मैंने देखा था टेक्निकल योगी जी की, और उसमें बताया गया था कि अपना चैनल बनाओ और यूट्यूब से पैसा कमाओ। तो ये वीडियो मैंने देखा था, अब जोश मुझ में भी आ गया कि यार पैसे मुझे भी कमाना है, मैंने भी यूट्यूब पर अपना एक चैनल ओपन कर लिया। भैया यूट्यूब पर अपना चैनल ओपन तो कर लिया, लेकिन जब वीडियो डाल रहा था तो एक भी व्यूज़ नहीं आ रहे थे। लगातार मैंने 2 महीने वीडियो अपलोड करते गया, लेकिन व्यूज़ 1, 2, 3, 4, 5, 10 बहुत हो गए, इससे ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आ रहे थे। परेशान हो गया था, 1-2 महीना मैंने लगातार काम किया, डेली वीडियो अपलोड किया, लेकिन मेरे व्यूज़ नहीं आए। इस तरीके से मैंने लगातार 4 महीने काम किया यूट्यूब पर, 4 महीने में मात्र मेरे 50 सब्सक्राइबर बढ़े हुए थे। पहले 3 महीने में तो सिर्फ 4 या 5 सब्सक्राइबर बढ़े थे, लेकिन उसके बाद में 50 सब्सक्राइबर बढ़े, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा, मैं डीमोटिवेट नहीं हुआ, मैं लगातार काम करते गया, डेली एक वीडियो अपलोड करते गया, चाहे वो 4 मिनट की हो चाहे वो 10 मिनट की हो, यूट्यूब से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता गया। फिर 4 महीने में मेरे 50-60 सब्सक्राइबर हो गए, उसके बाद मेरा एक वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो गया। यहाँ पे आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये जो वीडियो है ये मेरा वायरल हो गया, जिसने मुझे एक ही वीडियो पर 300 सब्सक्राइबर दे दिया। और 6 महीने जो 6वां महीना था उस पर मेरे एक वीडियो वायरल होने के बाद में कुछ पुराने वीडियोस भी वायरल होने लगे, और वहाँ से मेरे जो है वो सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। देखिए यूट्यूब की जर्नी बहुत कठिन होती है, आसान नहीं होती है। सबसे पहले तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप यूट्यूब पे काम कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोचोगे कि मैंने आज वीडियो बनाया, आज अपलोड किया और कल मेरा वीडियो वायरल हो गया या आज ही मेरा वीडियो वायरल हो गया, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 110% ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि यूट्यूब पर आज वीडियो डाल रहे हो, ना जाने वो कब वायरल होगा, आज होगा, कल होगा, 2 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद होगा, साल भर बाद होगा, ये किसी को नहीं पता कि आपका वीडियो कब वायरल होगा। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, डेली वीडियो को अपलोड करना है, डेली मेहनत करना है, आपको कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, डेली एक वीडियो अपलोड करना है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है काफ़ी सारे यूट्यूबर्स में पेशेंस नहीं होता है, सोचते हैं
एक महीना काम करते हैं, एक महीने के बाद में जब उनके सब्सक्राइबर और व्यूज नहीं बढ़ते तो घुटने टेक देते हैं। नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा यूट्यूब पे। यूट्यूब हमारे चैनल को ग्रो नहीं कर रहा, यूट्यूब हमारे चैनल को बूस्ट नहीं कर रहा, यूट्यूब में काम नहीं करना है। देखिए, आपके मन में भी आ रहा होगा, आप भी एक नए क्रिएटर होगा तो आपके मन में भी यही आ रहा होगा। आपने 100-200 वीडियो अपलोड कर दिया, 3-4 महीने काम कर लिया और उसके बाद आपके मन में एक ही बात आ रही होगी कि नहीं यार, आप काम नहीं करना है, आप यूट्यूब बहुत बेकार है साला, यूट्यूब हमारे वीडियो का रीच ही नहीं भेजता है, ना इंप्रेशन ही नहीं भेजता और यूट्यूब हमारे चैनल को ग्रो ही नहीं करता। लेकिन आपको पता है, कभी कभी 165 दिनों के बाद में मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, 165 दिन के बाद में। उसके बाद जो दूसरी वीडियो वायरल हुई है वो 234 दिन के बाद में, दूसरी तीसरी चौथी वीडियो, तीन वीडियो उसके साथ में वायरल हुई। आप जाके अगर आपको यकीन ना आए तो आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, मोस्ट पॉपुलर व्यूज़ में जाइए, वहाँ पे आपको जो चार वीडियो जो पॉपुलर दिखेंगी, जो वायरल वीडियो दिखेंगी, वो वीडियो का आप डेज देख लेना। वो वीडियो जो है वो 6-7 महीने के बाद में वीडियो वायरल हुई थी। बनाया कब मैंने? जनवरी में, और वायरल हुई अगस्त में। ठीक है, तो ये किसी को नहीं पता होता है कि हमारी वीडियो वायरल कब होगी। तिनके तिनके से बढ़ता है, वो कहते हैं ना कि सबर का फल मीठा होता है। अगर आप सबर रखोगे तो आपको फल मीठा मिलेगा, तो आपको सबर रखना पड़ता है। अगर आप YouTube में काम करना चाहते हो तो आपको सबर रखना पड़ता है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। अगर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे तो YouTube पर काम मत कीजिए, क्योंकि YouTube पर बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। इतने जल्दी चैनल ग्रो नहीं होते, बहुत टाइम लगता है चैनल ग्रो होने के लिए। बहुत कम ऐसे चैनल है जो फास्ट ग्रो होते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट कौन सा है। तो मेरी जर्नी भी कुछ इस प्रकार रही है कि बहुत मैंने पेशेंस रखा है, डेली कंसिस्टेंसी बरकरार रखा है, डेली वीडियो अपलोड किया, चाहे कुछ भी हो जाए डेली वीडियो अपलोड किया है। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जिस समय आपको ऐसा लग रहा है आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप 5-6 दिन 10 दिन वीडियो मत डालिए, पूरा रिफ्रेश हो जाइए, फिर से रिफ्रेश हो जाइए। कभी कभी मैं भी, मेरे मन में भी आता था कि यार मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मैं भी वीडियो अपलोड नहीं करता था, 5-6 दिन की गैप कर देता था। उसके बाद फिर से एनर्जी ला के फिर से वीडियो बनाना शुरू और फिर से अपलोड करना शुरू, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हो कि मेरे वीडियो डेली आ रहे हैं। तो जब आपको लगता है, जब आप डीमोटिवेट होते हो, तो आप 2-4-5 दिन की गैप कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 2-4-5 दिन की गैप कर दीजिए और उसके बाद अपनी एनर्जी को फिर से लाइए और फिर वीडियो बना के फिर अपलोड कीजिए। हार नहीं मानना है, बस हमें करते रहना है। आज हमारा वीडियो वायरल नहीं हुआ तो कल हमारा वीडियो वायरल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो नरसों होगा, 1 महीने बाद होगा 2 महीने बाद होगा, लेकिन हमारा वीडियो वायरल होगा। ये 100% डंके की चोट पे बोल रहा हूँ मैं, और आपका वीडियो वायरल होगा, ये गारंटी से बोल रहा हूँ। सिर्फ आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरे भी 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करने के लिए 1 साल लग गए, कम नहीं हुआ, 1 साल लग गए। लेकिन जब आपके 1K सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, तब यूट्यूब आपको फास्ट ग्रो करता है। तब तक के आपको पेशेंस रखना पड़ता है। तो मैंने भी काफ़ी पेशेंस रखा है, तबीयत खराब होने के बावजूद भी मैंने वीडियोस बनाए हैं, वीडियो अपलोड किए हैं, मूड ख़राब होने के बाद भी मूड को ठीक करके वीडियोस बनाए हैं, और आपको भी वो करना पड़ेगा अगर आपको यूट्यूब पर ग्रो करना है। तो 0 से 1K की जर्नी बहुत ही कठिन होती है, आसान नहीं होती। 4000 घंटे का वॉच टाइम भी लाना अपने वीडियोस पर, अपने चैनल पर बहुत हार्ड होता है, इजी नहीं होता है। और जब ये आप क्राइटेरिया पूरा कर लोगे तो आपको एक अलग ही खुशी महसूस होगी। ठीक है, जैसे कि आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर और 4 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। अब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा और मैं इस चैनल से कुछ अर्न कर पाऊँगा। तो यहाँ पे आपको बताने का मतलब यही है कि आप लोगों को पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के बाद में ही आपका चैनल ग्रो होगा। और ग्रो कब होगा इस पर आप ध्यान देना छोड़ दीजिए, खुद ग्रो हो जाएगा। बस आपको डेली वीडियो अपलोड करना है, डेली कंसिस्टेंसी बरकरार रखना है, डेली मेहनत करना है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके बाद में आने वाली जो वीडियोस होंगी ना, बहुत ही बेहतरीन होंगी, बहुत ही कातिल होगी और जेन्युइन कंटेंट होंगे, ना कोई फेक होगा, ना कोई किसी का कॉपी होगा, जो भी होगा मेरा होगा। बेहतरीन वीडियो आपके लिए लाऊंगा और आपको आगे बढ़ाऊंगा, छोटे क्रिएटर्स को आगे बढ़ाऊंगा। बस आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, आप लोगों को
मैं सपोर्ट करूंगा आप लोगों को आगे बढ़ाने का, मैं काम करूंगा, आप लोगों को ऐसे ऐसे टिप्स बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जो आप लोगों के लिए चैनल, आप लोगों के चैनल पर बेनिफिट, आप लोगों के चैनल को ग्रो करने का काम करेंगे, आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज की यही जो जर्नी थी हमारी 0 से 1 के तक की, सारा कुछ आपको बता दिया, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।